तो हम आज का मेकअप शुरू कर रहे हैं बाय यूजिंग क्लेंजर। तो क्लेंजर जो है ये एक नया क्लेंजर है कलर बार का, बहुत ही अच्छा सा क्लेंजिंग बाम है ये, विच मॉइस्चराइजेज योर फेस एज वेल एज इट रिमूव्स ऑल द डर्ट्स फ्रॉम द पोर्स इनसाइड। सो ये बहुत ही अच्छा डेली यूज़ का क्लेंजर है। उसके बाद हमने कलर करेक्ट किया यूजिंग ऑरेंज करेक्टर फ्रॉम एले गर्ल प्रो कंसील। सारे प्रोडक्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिस्क्राइब कर दिए, तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। उसके बाद हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ काइंड ऑफ सेम स्किन कलर कंसीलर। जितना अच्छा हम न्यूट्रलाइज करेंगे करेक्ट करेंगे फेस को, उतना ही कम हमें फाउंडेशन लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमने जब पूरा फेस एक क्लीन स्लेट की तरह हो गया है, देन नाउ वी विल डू द HD मेकअप। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टूरिंग वाला पार्ट नहीं करूँगी बिकॉज शी ऑलरेडी हैज़ गुड चीक बोन्स, बट हम हाईलाइटिंग ज़रूर करेंगे। जो एरिया पीछे की तरफ होते हैं हम उसे हाईलाइट करके फ्रंट में लाते हैं, विच इज़ अंडर द आईज, टिप ऑफ द नोज़, या ब्रिज ऑफ द नोज एंड योर लिप्स एरिया एंड द एरिया बिटवीन योर आईब्रोज, योर चिन एरिया। तो उससे एक बहुत ही अच्छा HD इफेक्ट आता है। उसके बाद हम पूरे हाईलाइटिंग को फर्स्ट बेकिंग करेंगे, मतलब लूज पाउडर यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट में। जो भी प्रोडक्ट मेरे स्पंज में है वही हम पूरे फेस पे भी लगा देंगे, तो इससे जो है पूरा मेकअप अब सेट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आईब्रोज से। आईब्रोज इज़ मस्ट, तो आपको पता है ये बिल्कुल डेली रूटीन की तरह ही है कि हम 2/3 आईब्रोज से शुरू करके और फिर फ्रंट ऑफ द आईब्रोज को लेवल करके एंड देन वी टेक द आईब्रोज टू द कॉर्नर। उसके बाद आई मेकअप मैंने पूरा रखा है क्योंकि ये एक बहुत ही सटल और बहुत ही ईजी आई मेकअप है, आप बहुत आराम से सीख सकते हो। एंड इसमें सबसे पहले हम हाईलाइटिंग वाले जो एरिया हैं जिसमें हम ग्लिटर यूज़ करते हैं या आप शिमरी यूज़ करते हो टियर डक्ट एरिया में और ब्राउ बोन एरिया में, सबसे पहले हमने उसे लगा लिया है। इसमें आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो, आई शेडो पैलेट, बिकॉज हमने बहुत ही न्यूट्रल कलर्स यूज़ किए हैं, ब्राउन्स और सिल्वरिश, तो ये ऑलमोस्ट सभी पैलेट में होते हैं। उसके बाद जो अब मैं क्रीज एरिया में जो कलर लगा रही हूँ वो है लिट ब्राउनिश इन टोन, विच इज़ स्किन ब्राउनिश इन टोन, नॉट अ वेरी फुल कवरेज ब्राउन। तो हम इसे पूरा नोज़ तक लेके आएंगे क्रीज एरिया से लेके, और यही हमारा पार्ट है जो आईज़ को डेप्थ देगा, एक ट्रांजिशन कलर की तरह वर्क करेगा। जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगी कि दिस इज़ माई फर्स्ट ब्राउन शेड, देन हम जाएंगे उससे ज़्यादा डीपर ब्राउन पे। अब मैंने देखिए डीपर ब्राउन लिया है और अब मैं ज़्यादा क्रीज की तरफ नहीं जाऊंगी, क्रीज के नीचे ही रहेंगे बट आउटर पार्ट ऑफ द लिड पे, और उसी को मैंने वहाँ तक एक्सटेंड किया है जहाँ तक हमने टियर डक्ट एरिया में हाईलाइट किया था। हाईलाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज हाईलाइटिंग इफेक्ट पूरा चला जाएगा। हाईलाइटिंग इफेक्ट का ये फ़ायदा होता है टियर डक्ट एरिया में कि आपकी आईज़ पॉपअप होती हैं, अच्छी और बड़ी लगती हैं। तो जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि ये ब्राउन कलर बहुत ही अच्छी तरह से फैल गया है, न्यूट्रल हो गया है, ट्रांजिशन कलर से मैच हो गया है, अनटिल देन आई विल कीप ऑन ब्लेंडिंग इट। उसके बाद सेम जो ट्रांजिशन कलर हमने यूज़ किया था वही मैं कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, नोज़ कॉन्टूरिंग के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने शुरू किया था क्रीज से और अब हम उसे पूरे टिप ऑफ द नोज़ तक ला रहे हैं, विच मीन्स कि एक ऐसा कलर होता है जो आपकी कॉन्टूरिंग पूरे नोज़ से लेके आपकी आईज़ तक का एक बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो, बहुत ही बस जो आपका लैश एरिया है उसके बिल्कुल आसपास मैं डिपॉजिट कर दूँगी, कोई शेप कुछ नहीं, वो अपने आप धीरे से जब हम बाद में ब्लेंड करेंगे अपने आप वो फॉर्म हो जाएगा। फिर एक डार्क ब्राउन कलर लेके उसके जस्ट ऊपर मैंने ऐसे ही रैंडमली डिपॉजिट कर दिया, एंड आई लीव इट लाइक दैट। फिर से वही ट्रांजिशन कलर लेके मैं अब मैक का ये शेडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ब्लैक काजल को मैं बहुत ही पास आईब्रो आईज़ को स्ट्रेच करके लैश लाइन एरिया के पास बहुत ही क्लोजली मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। लैशेज़ हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, इससे ये होगा कि लैशेज़ बहुत अच्छी तरह से और चिपक जाएंगे और साथ में एक जो लाइन दिखाई देती है लैशेज़ और आई लैशेज़ के बीच में, अनैचुरल आई लैशेज़ के बीच में, वो भी कवर हो जाएगा।
फिर उसी को मैं नीचे आईलैश एरिया में एक्सटेंड कर रही हूँ और फिर उसे शेडिंग ब्रश से धीरे धीरे स्मज भी करूँगी। हमें बहुत ज़्यादा काजल वाला लुक नहीं देना है, आईज़ को प्रॉपरली शेप करना है आलमंड शेप में और वही बस मैं चाहती हूँ। नाउ आई एम यूजिंग कलर बार का ब्राउन शेड आईलाइनर एंड देन दैट्स इट। उसके बाद हमने ब्लश यूज़ किया। अब आप देख सकते हो आईज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ब्लश हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे और ये थोड़ा सा सटल होगा जब हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे, बिकॉज ये डे लुक है ऑलमोस्ट डे एंड इट विल ऑब्वियसली वर्क फॉर द नाइट एज वेल, बट मुझे थोड़ा सा ब्लशी और अच्छा लुक चाहिए था। इनके ऑलरेडी बहुत ही कॉन्टूर्ड चीक्स थे एज आई सेड बिफोर, तो हम थोड़ा सा चाहते थे कि थोड़ा सा चबी लुक आए, थोड़ा सा फ्रेश लुक आए, तो इसीलिए हमने काफ़ी ज़्यादा ब्लश यूज़ किया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिक हाइलाइटर, जिसको हम धीरे धीरे डायरेक्टली अप्लाई करके और ब्रश से ब्लेंड कर रहे हैं। कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेकअप ज़्यादा हो रहा है या कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया है, तो आप वही स्पंज यूज़ कर सकते हो जिससे आपने फाउंडेशन लगाया है, तो उससे जो है वो प्रोडक्ट थोड़ा सा सटल हो जाता है। टू फिनिश द लुक अ मस्ट वॉज दिस ब्यूटिफुल ब्राइट रेड लिपस्टिक। दिस इज़ फ्रॉम कलर पॉप। शेड मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अवेलेबल नाउ बिकॉज ये लिमिटेड एडिशन था लास्ट ईयर। सो दिस इज़ वॉट, एंड इसमें ये एकदम एग्जैक्ट मैट नहीं है, सो वॉट इज़ इन द ट्रेंड, जो थोड़ा सा ग्लॉसी लुक आता है वो इसका इफेक्ट आएगा, तो द लिप्स विल लुक जूसियर एंड हाइड्रेटेड। लास्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द फिक्सिंग स्प्रे। इससे हमने मेकअप को फिनिश किया एंड वी विल वेट फॉर सम टाइम। इफ समथिंग हैपन्स इन द मेकअप यू कैन जस्ट चेंज इट एंड देन वी हैव डन ऑल द थ्रू। वी हैव गिवन अ ब्यूटिफुल कुंदन ज्वेलरी, मैचिंग इयररिंग्स, देन बैंगल्स, पर्स, एंड टू एम्प अप दिस लुक शी वोर अ प्लीटेड साड़ी इंडियन स्टाइल एंड देन वी गेव हर रेड कलर, ब्यूटिफुल रेड कलर चुन्नी ऑन द हैंड्स एंड इट जस्ट टुक द ऑल ओवर लुक टू द नेक्स्ट लेवल। द ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन इज ऑब्वियसली वेरी फेमस और यहाँ पर ये लुक ख़त्म होता है, तो थैंक यू।